मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी आने वाली नई वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल घर का स्वाद में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट से बनने वाला नाश्ता बनाएंगे, जिसे कि हमने सूजी से बनाया है और इसमें हमने वेजिटेबल्स भी ऐड की हैं, जिसके कारण ये हेल्दी भी है। तो आप इसे सूजी का वेजिटेबल केक कह सकते हैं। और इसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक कप सूजी, बारीक कटी हुई एक शिमला मिर्च, कद्दूकस की हुई एक गाजर, बारीक कटा हुआ एक प्याज और एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक छोटी चम्मच राई, एक चम्मच चिली फ्लेक्स और नमक स्वाद के अनुसार। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने एक कप सूजी ली है, उसे इस तरह चलनी में डाल के छानेंगे। और फिर हम इसमें मिलाएंगे पानी। तो जब भी आप सूजी में पानी डालें तो थोड़ा गर्म ही डालें। इससे क्या होता है कि सूजी अच्छे से फूल जाती है और सूजी को फूलने में बहुत ही कम समय लगता है। तो यहाँ पर पूरे एक कप पानी हमने इस सूजी में मिला दिया है। तो अब सूजी को ढक के हम रख देंगे। सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए ही रखना है। जो सूजी में हमने गर्म पानी डाला है उससे बहुत ही जल्दी ये फूलेगी। तो इसे हमने 5 से 7 मिनट ही रखा है और आप देख सकते हैं सूजी बहुत ही अच्छे से फूल चुकी है। तो अब हम इसमें कुछ सब्जियां मिलाएंगे, जैसे बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे कद्दूकस की हुई गाजर। सूजी के बैटर में सब्जी आप अपने पसंद की कोई भी डाल सकते हैं। यदि आपके पास शिमला मिर्च और गाजर नहीं है तो सिर्फ प्याज से ही इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो सारी सब्जियों को डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा ही डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और सारी ही चीजों को अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच नींबू का रस, जिससे कि इसमें खट्टापन आएगा। पर आप चाहें तो इसमें आधे कप दही का यूज भी कर सकते हैं, पर जो नींबू का रस है वो आसानी से सबके पास मिल जाएगा। तो आप इसमें एक चम्मच नींबू का रस डालकर अच्छे से मिला दें। पानी जो है इसमें अब हम नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें बैटर जो है इतना ही गाढ़ा रखना है। अब सारी ही चीज़ों को अच्छे से मिला देने के बाद अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच इनो। यदि आपके पास इनो नहीं है तो 1/4 चम्मच आप इसमें बेकिंग सोडा डाल दें, या तो आप उसके बगैर भी बना सकते हैं। तो जैसे ही इसमें हम इनो डालेंगे, बैटर जो है अच्छे से फूल कर सॉफ्ट होगा। बस थोड़ा सा हमें इसे मिलाना है। तो अब ये जो बैटर है रेडी है, तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर हमने पैन को गर्म होने रख दिया है। पैन अच्छे से गर्म है, तो 1 बड़ा चम्मच डालेंगे तेल। और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए, तभी हम इसमें डालेंगे राई। और राई भी जैसे अच्छे से तड़क जाए, तभी हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। तो यहाँ पर आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। और जो हमने ये बैटर बनाकर तैयार किया था 1 कप सूजी से, सारा ही बैटर इस पैन में हम डाल देंगे। और अच्छे से पैन में हम इस तरह फैलाएंगे। थोड़ा सा ये मोटा ही बनेगा, ये जो पैन है थोड़ा बड़ा है, तो हमने सारा बैटर डाल दिया है। यदि आपके पास छोटा पैन हो
या नॉर्मल तवे का यूज़ कर रहे हूँ, तो दो बार में ये बैटर डालकर आप इसे बना सकते हैं। तो जैसे ही अच्छे से चारों तरफ पैन में फैला दें, फिर हम इसे ढक के रखेंगे और धीमी धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। हमें इसे नीचे से तब तक पकाना है जब तक कि अच्छे से क्रिस्पी होके ब्राउन ना हो जाए। हो सकता है थोड़ा समय और लगे, तो आप बीच में एक बार कलछी से उठाकर चेक कर लें। तो यहाँ पर इसे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने खोल कर देखा तो आप देख सकते हैं ऊपर से अच्छे से ये पका हुआ दिख रहा है। तो अब हम इसे पलटेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो नीचे का हिस्सा था वो भी बहुत ही अच्छे से पक चुका है, क्रिस्पी हो गया है, ब्राउन हो गया है। तो बस दूसरे साइड से भी इसे हम ऐसे ही पकाएंगे, पर अब इसे हम ऐसे ही खुला रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते हुए पकाएंगे। जैसे ही इसका कलर नीचे से चेंज हो जैसा कि ऊपर से हुआ है, बस तभी हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हुआ है और अंदर से जो सूजी है अच्छे से पक चुकी है। तो हमने इसे पैन से निकालकर एक बड़ी सी थाली में रख दिया है क्योंकि हमें इसके पीसेस कट करने हैं। बड़ी थाली में रखने से आसानी से ये पीसेस इसके कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा कटर का यूज़ किया है। इस तरीके से आप इसके पीस कट कर दें तिकोने तिकोने, जिससे कि ये देखने में और भी अच्छे लगेंगे। और आप ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये पका हुआ है अंदर से भी और ऊपर से भी। तो बस बहुत ही टेस्टी ये सूजी से नाश्ता बनकर तैयार है। आप इसे हरे धनिए की चटनी या अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व करें। और जैसा कि आपने देखा बनाने में बहुत ही कम समय लगा है, तो आप इसे सुबह के नाश्ते में बना सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।